हम पढ़ेंगे एनालॉजी और सिमिलरिटी। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। शब्दों पर आधारित हम पढ़ेंगे दोस्तों, आगे हम पढ़े थे अंकों पर आधारित। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ये जलना ऑक्सीजन, तो बुझाना क्या होगा दोस्तों? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जलना ऑक्सीजन है, तो बुझाना क्या होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ये हमारा आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह एक और क्वेश्चन है दोस्तों, रियाल ईरान लिखा हुआ दोस्तों। ये दोनों में हम सबसे पहले इन दोनों का मेल देखेंगे दोस्तों क्या है। रियाल हमारा ईरान का जो है मुद्रा है, उसी प्रकार यहाँ पर दिनार दिया हुआ है, यानी कि रियाल जो है ईरान का मुद्रा है, तो दिनार जो है किस देश का मुद्रा है, यही हमारा आएगा दोस्तों। अगर रियाल ईरान का मुद्रा है, तो दिनार जो है किस देश का मुद्रा है, ये हमको बताना है। दिनार हमारा हो जाएगा दोस्तों इराक, ये हो जाएगा इराक, ये नॉर्वे, पेरू, बगदाद, ये सब नहीं होगा। ये दिनार जो है इराक में चलता है, यानी कि रियाल ईरान का मुद्रा है और दिनार जो है इराक का मुद्रा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें दोस्तों सोना कर्नाटक लिखा हुआ है, तो हीरा क्या होगा? बेंगलोर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। दोस्तों ये दोनों में हमको देखना है, तो ये सोना जो है कर्नाटक में पाया जाता है दोस्तों अधिक, तो हीरा कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादा? बेंगलोर, राजस्थान, दिल्ली, कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों हीरा अधिक पाया जाता है। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान यानी टोक्यो, ये क्या संबंध है? जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों, ये तो हम लोग जान रहे हैं, जापान की राजधानी टोक्यो दिया हुआ है। तो जार्डन, तो ये हमारा हो जाएगा जार्डन जो है, जापान की राजधानी टोक्यो है, तो जार्डन किसका राजधानी हो जाएगा? ये जार्डन हमारा हो जाएगा, जार्डन का हो जाएगा अम्मान, अम्मान हो जाएगा दोस्तों। ये रोम, नॉर्वे, रीगा, ये सब नहीं होगा, अम्मान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये उसी तरह दोस्तों चीन, चीन का बीजिंग दिया हुआ है राजधानी, तो फिजी जो है, फिजी, फिजी का क्या हो जाएगा दोस्तों? फिजी का सुवा, एथेंस, बर्लिन, पेरिस, क्या हो जाएगा बताइए? ये चीन का बीजिंग दिया हुआ है, तो फिजी का हो जाएगा सुवा, ये हो जाएगा सुवा। चलिए देखते हैं, ये भी हमारा उसी तरह होगा दोस्तों। ये मकान दिया हुआ है किराया, तो पूंजी क्या होगा? तो मकान किराया किस प्रकार संबंधित है? मकान से किराया, ये आपका मकान से किराया दोस्तों, किसी को आप मकान दीजिएगा तो वो आपको किराया देगा शायद, और पूंजी यदि किसी को दीजिएगा तो वो आपको क्या देगा दोस्तों? ब्याज देगा, तो आपका ये ब्याज हो जाएगा आंसर। यदि मकान आप किसी को दीजिएगा तो आपको वो किराया देगा, पूंजी अगर आप किसी को देंगे तो वो आपको ब्याज देगा, यही आपका आंसर है। चलिए अगला, ये धुआं क्या हो जाएगा? प्रदूषण, धुआं से प्रदूषण होता है दोस्तों, लिखा हुआ धुआं से प्रदूषण होता है, स्वाभाविक है, धुआं से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। तो युद्ध से हमारा क्या हो सकता है? शांति, बिल्कुल नहीं। अमन, ये भी नहीं हो जाएगा। विनाश, ये हो सकता है दोस्तों, यही होगा युद्ध से। संधि, संधि युद्ध से क्या हो सकता है? तो विनाश ही हो सकता है। धुआं से प्रदूषण होता है, युद्ध से क्या होता है दोस्तों? विनाश, ये हो जाएगा हमारा विनाश। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए शोक, शोक में क्या होता है? आनंद, शोक का उल्टा लिखा हुआ आनंद, शोक का आप निराश हैं फिर खुशी हो रहा है, शोक आनंद। उसी प्रकार यहाँ पर दुख दिया हुआ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? दुर्भावना, क्रोध, सुख, तो यहाँ दुख है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? सुख। शोक से आनंद हुआ दोस्तों, तो दुख से क्या हो जाएगा? सुख। इसका विपरीत दिया हुआ, इसका विपरीत ही ढूंढेंगे दोस्तों। तो दोनों सेम संख्या दिया रहेगा तो उसी तरह का संख्या यहाँ पर होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए पाउंड लिखा हुआ दोस्तों, पाउंड, येन, पाउंड, येन, यानी कि ये दोनों मुद्रा है दोस्तों, पाउंड, येन, ये पाउंड मुद्रा है, येन भी मुद्रा है। यहाँ पर दोस्तों पोलो जो हमारा ये खेल है, तो आगे भी खेल होगा दोस्तों। यहाँ पर ये पाउंड है, ये येन है, ये दोनों मुद्रा है, तो यहाँ खेल दिया हुआ, तो यहाँ भी खेल ही होगा दोस्तों। ये पोलो खेल है दोस्तों, ये घोड़ा, घोड़ा कोई खेल है दोस्तों? नहीं। सवारी, सवारी भी नहीं है, छड़ी भी नहीं है, हॉकी हमारा खेल है, तो ये हॉकी हमारा हो जाएगा। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों बतख जो दिया हुआ, कौ कौ का दिया हुआ दोस्तों, बतख का आवाज़ दिया हुआ यहाँ पर, फिर हिनहिनाहट, ये भी किसी का आवाज़ होगा दोस्तों, जैसे बतख का आवाज़ कौ को दिया हुआ, तो हिनहिनाहट का आवाज़ कौन निकालता है दोस्तों? बिल्ली तो नहीं निकालता, लोमड़ी भी नहीं, घोड़ा निकालता है, मेढक नहीं, तो घोड़ा हो जाएगा दोस्तों, हिनहिनाहट घोड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये घर,
घर से कमरा, यानी कि छोटा छोटा कमरा मिला के एक घर बनता है दोस्तों। घर कमरा दिया हुआ, ये दोनों का संबंध यही है। छोटा छोटा कमरा अगर यदि मिला दें तो उसको हम घर कह सकते हैं। इसी तरह विश्व है, विश्व में विश्व कैसे बनता है दोस्तों, ये हवा, जमीन, सूर्य, राष्ट्र, छोटा छोटा राष्ट्र अगर यदि हम मिलाएँ तो हमारा विश्व बन जाएगा दोस्तों। ये हमारा बी नंबर आंसर हुआ। चलिए देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा क्या हुआ, बुरा, ये विपरीत दिया हुआ, अच्छा का बुरा दिया हुआ, तो छत का उल्टा क्या हो जाएगा, दीवार, खिड़की, खंभा, फर्श। छत आने के ऊपर हो रहा है तो नीचे हो जाएगा, इसका उल्टा फर्श हो जाएगा दोस्तों, फर्श। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के सांसद को पार्लियामेंट कहते हैं दोस्तों। तो ये कांग्रेस जो है किस देश के सांसद को कहते हैं, यह हो जाएगा हमारा कांग्रेस, यानी कि पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यानी ग्रेट ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। तो कांग्रेस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को कहते हैं, कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसी तरह का ये देखिए दोस्तों, फिल्म निर्देशक, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, फिल्म निर्देशक, तो पुस्तक प्रकाशक हो जाना चाहिए दोस्तों, पुस्तक हमारा प्रकाशक हो जाएगा। निर्देशक जिस तरह फिल्म को निर्देशित करता है, उस तरह प्रकाशक जो है पुस्तक को संबंध है। ये देखिए दोस्तों, बर्फ जो है ठंडा, ठंडक, बर्फ जो है हमेशा ठंडा प्रदान करता है, बर्फ। तो पृथ्वी क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण हो जाना चाहिए, पृथ्वी में हमेशा गुरुत्वाकर्षण होता है, बर्फ में जो है हमेशा ठंडक रहता है, तो पृथ्वी में हमेशा गुरुत्वाकर्षण होता है। उसी तरह यह दोस्तों मधुमक्खियाँ भिनभिनाना, मधुमक्खी का आवाज़ क्या होता है, भिनभिनाना, तो मधुमक्खी भिनभिनाना। तो उल्लू का क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्लू का हमारा हो जाएगा घुघुआना, उल्लू का क्या हो जाएगा घुघुआना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।